हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदर्स अकेडमी। माई सेल्फ अल्पना। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में यूपी पुलिस के एग्ज़ाम की दृष्टि से जो हम क्विक रिवीजन शुरू किए थे, आज हमारा क्विक रिवीजन नंबर 16 है। हम 15 क्विक रिवीजन ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं फ्रेंड्स। अगर अभी तक आप मेरे उस क्विक रिवीजन को फॉलो नहीं किए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर फॉलो कर लीजिए, ठीक है? ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलिए हम अपने क्विक रिवीजन को शुरू करते हैं। ये हमारा क्विक रिवीजन नंबर 16 है, ठीक है फ्रेंड्स? अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो आप वीडियो पॉज करके आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है? पहला क्वेश्चन, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका उत्तर है वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था किनके द्वारा कराई गई थी? इसका उत्तर है रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कौन से एक्ट के अनुसार कहा जाने लगा? इसका उत्तर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किनके द्वारा किया गया? इसका उत्तर है विलियम विलिंकिंस के समय में, ठीक है? विलियम विलिंकिंस के द्वारा गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किनके द्वारा किया गया? इसका उत्तर है सर विलियम जोन्स ने किया था, ठीक है? सर विलियम जोन्स के द्वारा द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। सिविल सेवाएं किनके शासनकाल में प्रारंभ किया गया या फिर किनके द्वारा प्रारंभ किया गया? ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स, ठीक है? तो इसका उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नागरिक सेवा का जनक किन्हें माना जाता है? इसका उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सहायक संधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका उत्तर है फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने। डुप्ले ने सहायक संधि का प्रयोग किया था। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किनके द्वारा किया गया? इसका उत्तर है आपका लॉर्ड वेलेजली, ठीक है? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं को बंगाल का शेर कौन कहा करता था? फ्रेंड्स, इसका उत्तर है स्वयं को बंगाल का शेर जो है वो लॉर्ड वेलेजली कहा करता था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? फ्रेंड्स, इसका उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था वो भारत का पहला गवर्नर जनरल था। फ्रेंड्स, अगर आंसर मालूम है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। सती प्रथा को समाप्त जो किया गया था वो किसके शासन में काल में समाप्त किया गया था या किनके द्वारा समाप्त किया गया था? इसका उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा की समाप्ति की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया गया और किनके शासनकाल में बनाया गया? तो फ्रेंड्स, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम जो है वो मेकाल के अनुशंसा पर मतलब माध्यम बनाया गया। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम जो बनाया गया वो मेकाल की अनुशंसा पर, मेकाल के रिकमेंडेशन पर बनाया गया था। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किन्हें कहा जाता है? इसका उत्तर है चार्ल्स मेटकॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है वो किनके समय का एक महत्वपूर्ण घटना है? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है आपका लॉर्ड ऑकलैंड के समय का, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है वो समाप्त जो हुआ उस समय कौन थे वहां के लॉर्ड?
जो शुरू हुआ था उस समय तो लॉर्ड ऑकलैंड थे, लेकिन जब अंत हुआ मतलब समाप्ति हुई इस युद्ध का, तो उस टाइम कौन थे? लॉर्ड एलिनबरो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नरबलि पर प्रतिबंध किनके शासनकाल में लगाया गया? लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा संबंधी सुधारों में वुड डिस्पैच जो है वो किसके शासनकाल में मतलब या फिर किसके द्वारा घोषित किया गया? इसका उत्तर है लॉर्ड डलहौजी ने सन 1854 में वुड डिस्पैच को लागू किया था। तो ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स, तो इसका उत्तर है लॉर्ड डलहौजी। भारत में रेलवे का जनक किन्हें माना जाता है? या फिर इस टाइप से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं कि भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है लॉर्ड डलहौजी। भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा किसके शासनकाल में शुरू किया गया, या फिर किनके द्वारा शुरू कराया गया? ये भी एग्जाम में इस टाइप से सवाल बन जाते हैं। इसका उत्तर है लॉर्ड डलहौजी के समय काल में। ठीक है, भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसका उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किनके शासनकाल में लाया गया था? तो फ्रेंड्स विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय काल में ही लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चंस, बहावी आंदोलन का दमन किनके द्वारा किया गया? इसका उत्तर है लॉर्ड एलिंगन। नेक्स्ट क्वेश्चंस, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को पारित कर समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध किनके द्वारा लगाया गया और कब लगाया गया? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है लॉर्ड लिंटन के द्वारा लगाया गया था, और कब लगाया गया था? मार्च 1878 में। ठीक है, तो जो प्रतिबंध लगाया गया था वो लॉर्ड लिंटन के द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चंस, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया? लॉर्ड रिपन ने। ओके, लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चंस, सिविल सेवा में प्रवेश की आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किनके शासनकाल में किया गया, या फिर किसने किया? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारत में प्रथम जनगणना सेंसस जो था वो किनके समय काल में हुआ? ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछता है कि स्थायी रूप से कब हुआ और विधिवत रूप से कब हुआ। ठीक है, तो फ्रेंड्स भारत में प्रथम सेंसस की बात करें तो वो आपका हुआ था लॉर्ड मेयो के समय में, हुआ था 1872 में। और अगर पूछेगा भारत में नियमित सेंसस जो करवाई गई थी वो कब करवाई गई थी और किसके शासनकाल में, तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है लॉर्ड रिपन के समय में करवाया गया था 1881 में। तो नियमित रूप से पूछेगा तो लॉर्ड रिपन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा किनके द्वारा दिया गया? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है भारत लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा जो है वो फ्लोरेंस नाइटेंगल ने दिया था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, या फिर किसके मतलब किनके द्वारा हुई थी? तो फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के समय में हुई थी, और आपको बताना है कि कब हुई थी। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि कब हुई थी कांग्रेस की स्थापना। 1905 में बंगाल का विभाजन किनके समय काल में हुआ था? इसका उत्तर है लॉर्ड कर्जन के समय में। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा किनके द्वारा किया गया?
इसका उत्तर है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। ओके, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध किनके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? इसका भी उत्तर वही है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 में रॉलेट एक्ट तथा 1917 में शिक्षा पर सेंट्रल आयोग का गठन किनके शासनकाल में हुआ था? इसका उत्तर है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था? मतलब बहुत फेमस कांड है ये, जालियांवाला बाग हत्याकांड, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? फ्रेंड्स, इसका उत्तर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, चोरी चोरा कांड जो कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी के समय हुआ था, तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? इसका उत्तर है लॉर्ड रेडिंग। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय युद्ध जो प्रारंभ हुआ था, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? फ्रेंड्स, इसका उत्तर है लॉर्ड लिन लिथगो। ओके, लॉर्ड लिन लिथगो जो थे उस टाइम गवर्नर जनरल थे जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत का अंतिम तथा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन। ओके, लॉर्ड माउंटबेटन प्रथम गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? इसका उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, मे बी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन अराइज हो जाए। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन थे? फ्रेंड्स, इसका उत्तर है आपका लॉर्ड मिंटो द्वितीय। ब्रिटिश शासन काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, मतलब ब्रिटिश शासन काल में किस शासक के समय काल को स्वर्ण युग माना गया है? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है लॉर्ड रिपन के शासनकाल को। ठीक है, भारत में पहली बार डाक टिकट प्रचलन आरंभ हुआ और पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ, तो किसके समय का शासनकाल में ये सब इतने महत्वपूर्ण कार्य किए गए? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है लॉर्ड डलहौजी के समय में। ओके, पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन जो है वो किनके समय काल में हुआ था? फ्रेंड्स, इसका उत्तर है लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय में। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय में कूका आंदोलन हुआ था। ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि कूका आंदोलन कहाँ हुआ था। ठीक है, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किनके द्वारा किया गया? फ्रेंड्स, इसका उत्तर है लॉर्ड रिपन के समय में। तो स्थानीय स्वशासन कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि स्थानीय शासन के जनक किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर है लॉर्ड रिपन। ओके, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, लाइक करना मत भूलिए और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल साइट में शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपके पास किसी प्रकार की क्वेरी हो तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए वंदे मातरम।